नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी दलका न्यूज। मैं हूं आपके साथ गिरीश मानव। आइए आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी देते हैं इस वक्त की हेडलाइंस की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने दिल्ली में बुलाई चुनाव प्रबंधन व योजना कमेटी की बैठक। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की एक दिन की विशेष बैठक आयोजित, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई रहे मुख्य अतिथि। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रकोष्ठ ने मनाया संगठन सदस्यता पर्व। रेलवे पुलिस ने सचखंड एक्सप्रेस से बरामद किया जेवर से भरा बैग, सुपरदारी के बाद मालिक को सौंपा गया बैग। नूरवाला की बिल्लू कॉलोनी में 17 साल के हर्ष ने लगाई फांसी। दुष्कर्म के आरोपी विकास गर्ग को CIA 2 ने किया गिरफ्तार। उत्तर रेलवे मेंस यूनियन के बैनर तले रेलवे कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना का किया विरोध। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से JJP की उम्मीदवार रही स्वाति यादव ने थामा भाजपा का हाथ। आर्य कॉलेज के BTM और BSc के 10 विद्यार्थियों ने मेरिट सूची में बनाया स्थान। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आइए अब विस्तार से जानते हैं इस बुलेटिन की सभी खबरें और सबसे पहले प्रदेश की राजनीति। अपने प्रतिद्वंदियों को हड़काते हुए कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर विधानसभा चुनाव के तेवरों में आ गए हैं। कांग्रेस के सभी दिग्गजों को हैरान करते हुए उन्होंने दिल्ली में रफी मार्ग 15 वल्लभ भाई पटेल हाउस में चुनाव प्रबंधन ये योजना कमेटी की बैठक बुलाई है, जिसका संयोजक सुदेश कुमार अग्रवाल को बनाया गया। याद रहे कि समस्त भारतीय पार्टी के सुदेश अग्रवाल लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का विलय करते हुए तंवर के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। बहरहाल पार्टी के शीर्ष नेताओं मसलन भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, कैप्टन अजय सिंह यादव, रणदीप सुरजेवाला एवं किरण चौधरी को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। तंवर साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो सदस्य 8 जुलाई की बैठक में गैर हाजिरी रहेगा उसके स्थान पर किन्हीं अन्य वरिष्ठ नेता को सदस्य बना लिया जाएगा। जाहिर है अशोक तंवर पूरे आत्मविश्वास में लबरेज हैं। विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि अशोक तंवर 8 जुलाई को टिकट कमेटी का भी गठन कर सकते हैं और इसके साथ ही हरियाणा विधानसभा चुनाव की टिकट के इच्छुक कार्यकर्ताओं से आवेदन लेना शुरू कर दिया जाएगा। तंवर समर्थकों का मानना है कि एक बार टिकट मेला शुरू होते ही असंतुष्ट खेमे शांत होकर बैठ जाएंगे, जबकि सियासी विश्लेषक इसे इतना आसान नहीं मान रहे हैं, क्योंकि चुनाव प्रबंधन या योजना जैसी समिति में हुड्डा या सैलजा जैसे वरिष्ठ नेताओं को सदस्य एवं सुदेश अग्रवाल जैसे न्यू ब्रांड व्यक्ति को संयोजक बनाया जाना तंवर विरोधियों को हरगिज मंजूर नहीं होगा। जाहिर है टकराव बढ़ेगा और बहुत मुमकिन है कि जो लोग अशोक तंवर को हटाने पर आमदा हैं वो क्यों चाहेंगे कि तंवर के नेतृत्व में टिकट फाइनल कमेटी वजूद में आए। इसलिए तंवर का टिकट मेला दिल्ली दरबार की मर्जी से ही लग पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। भिवानी महेंद्रगढ़ से JJP की उम्मीदवार रही स्वाति यादव ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। स्वाति यादव द्वारा भाजपा में शामिल होने को लेकर काफी दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन कयासों को विराम तब लगा जब उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उपस्थिति में भाजपा को ज्वाइन कर लिया। स्वाति अमेरिका रिटर्न है और उन्हें बराक ओबामा के साथ काम करने का अवसर मिला था, इससे उन्हें एक इंटरनेशनल पहचान मिली थी। उन्हें IT में महारत हासिल है और वे JJP के IT सेल का संचालन कर दिया रही थी। बहरहाल स्वाति के भाजपा में आने से JJP को निश्चय थका पहुंचा है। उधर भाजपा के पास एक और प्रतिभाशाली सदस्य जुड़ गया है। पिछले काफी समय से पुलिस से आंख मिचोली खेल रहा दुष्कर्म का आरोपी विकास गर्ग आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ी गया। शनिवार को चिटी रोड BBMB के पास CIA 2 की पुलिस टीम गश्त पर थी कि अचानक उसकी नज़र एक संदिग्ध व्यक्ति पर पड़ी जिसने अपने चेहरे को ढका हुआ था। जब पुलिस ने उसे पूछताछ की तो वह दुष्कर्म का आरोपी विकास गर्ग निकला। उसके खिलाफ महिला थाना में शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का एक मुकदमा दर्ज है। एक महिला ने उस पर आरोप लगाया था कि विकास ने उसे शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया है और अब शादी करने से इनकार कर रहा है। यही नहीं, विकास ने ब्लैकमेलिंग के आरोप में उस युवती को गिरफ्तार भी करवा दिया था। इसे तकनीकी कारणों से कोर्ट से राहत मिल गई थी। 13/6/19 को एक युवती ने हमारे महिला थाना में FIR दर्ज करवाई थी कि एक विकास गर्ग नाम का आदमी ने 2010 में उससे दोस्ती की थी और उसके बाद उससे शादी का झांसा देके उसके साथ वो गलत काम करता रहा।
तो हमारे महिला थाना में ये FIR दर्ज की गई थी और इसकी इन्वेस्टिगेशन हमारी CIG2 की टीम द्वारा की गई और आज हमारी CIG2 की टीम ने विकास गर्ग को आज गिरफ्तार किया है। फिलहाल CIG2 की इसे बड़ी सफलता माना जा रहा है क्योंकि युवती आए दिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उसकी गिरफ्तारी के लिए पहुंच जाती थी। महिला थाने में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी विकास पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा था, इसलिए पुलिस अधीक्षक ने उसको गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी CIG2 के जिम्मे लगाई थी। शनिवार को ASI विनोद कुमार के नेतृत्व में हवलदार सुशील, अनिल और सिपाही विकास की सतर्कता के चलते विकास पुलिस के काबू आ ही गया। पानीपत के मॉडल टाउन स्थित कम्युनिटी हॉल में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई, राष्ट्रीय सचिव रामचंद्र राणा प्रभारी हरियाणा व राष्ट्रीय सचिव दिनेश कौशिक प्रभारी NCR मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बाबूराम कौशिक ने की। बाबूराम कौशिक इस कार्यक्रम के संयोजक भी थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं। पिछली गलतियों को स्वीकार करते हुए पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए आह्वान किया गया। सेवा दल पूरे राष्ट्र भर में अपने प्रदेश के, जिले के और जो ब्लॉक के संगठन है उसको पूरा ट्रांसफॉर्म करने का काम पिछले एक साल से कर रहा है। उसी के तहत हरियाणा में पिछले 6 महीने में चली प्रक्रियाओं से कुछ नाम निकल के आए हैं। जिले और ब्लॉक तक का जो हमारा संगठन नया बना है, उन साथियों का आज बैठकर उनकी भावी भूमिका क्या रहेगी। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रकोष्ठ ने कमालिया भवन में बड़ी धूमधाम के साथ संगठन पर सदस्यता अभियान मनाया, जिसमें प्रदेश संयोजक ओम प्रकाश भट्ट एवं केसर सिंह रावत संयोजक जिला पानीपत ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। केसर सिंह रावत ने कहा कि भाजपा के 75 पार मिशन में उनका उत्तराखंड प्रकोष्ठ पूरी शिद्दत के साथ भाग लेगा और इस सपने को मिशन को साकार करने में अपना पूरा जोर लगाएगा। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान में उत्तराखंड प्रकोष्ठ बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। देश के अंदर सदस्यता अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने चालू कर रखा है, उसके हिसाब से भी आज हमें यहाँ हरियाणा के अंदर हम आज ही के दिन हम यहाँ पर एक अपनी गोष्ठी रखेंगे और पूरे प्रदेश के जिला संयोजक, महिला संयोजक सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कम से कम 16 जिलों से यहाँ पर हमारे पहुँचे हुए हैं। सचखंड एक्सप्रेस में जेवर से भरा बैग छूट जाने का जैसे ही पानीपत रेलवे अधिकारियों को मैसेज मिला, तुरंत RPF या GRP को अलर्ट कर दिया गया। ट्रेन जैसे ही पानीपत पहुंची तो तलाशी अभियान को बोगी नंबर 10 से सीट नंबर 25 से 28 के नीचे लाल रंग का बैग दिखाई दिया, जिसकी सूचना तत्काल दिल्ली में बैठे बैग के मालिक आदित्य सुरेश को दी गई, जिसमें उसकी पत्नी के सोने के जेवर रखे थे। ज्ञात है कि दंपति नासिक से दिल्ली के लिए चले थे, जहां से उन्हें आगे सिरसा जाना था। जल्दबाजी में वे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतर गए और जब उन्हें याद आया तब तक ट्रेन पानीपत की तरफ चल पड़ी थी। तुरंत दंपति ने दिल्ली रेलवे अधिकारियों को सूचना दी, जहां से पानीपत रेलवे स्टेशन पर सूचना भेजी गई, जिससे RPF ने तुरंत हरकत में आते हुए बैग बरामद कर लिया। बाद में सुपरदारी कराकर बैग मालिक को सौंप दिया गया। नासिक से 5-6 सवारियां आई थी, तो उन्होंने अपने किसी रिलेटिव के साथ में जाना था सिरसा। दिल्ली जैसे स्टेशन पे उतरे तो S10 में 25 और 28 नंबर सीट पे उनकी रिजर्वेशन थी। उनका जिसमें शादी के कीमती सामान था, कुछ आभूषण भी थे सोने की, गाड़ी में बैग छूट गया। तो उन्होंने 182 कॉल करके हेल्पलाइन से सुविधा मांगी। सुविधा के बाद हमारे पास पानीपत मैसेज आया, तो हमने गाड़ी से बैग को उतार लिया। पानीपत के नूरवाला स्थित बिल्लू कॉलोनी में उस समय शोक की लहर दौड़ गई जब 17 वर्षीय हर्ष 10वीं क्लास का कक्षा स्टूडेंट फांसी से लटका हुआ मिला। याद रहे कि मृतक किशोर ने कुछ दिन पहले ही 10वीं के पेपर दिए थे। वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी है। मृतक हर्ष के जीजा ने बताया कि कॉलोनी के ही 3 लड़के सोनू, अनिल और सुनील हर्ष को तंग करते थे और पैसे की डिमांड करते थे। उनका आरोप है कि इन तीनों युवकों के डर के कारण ही मासूम हर्ष ने मौत को गले लगाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ये लड़के को तंग कर रहे थे पैसों के चक्कर में, हमें पता नहीं किसी के पैसे हैं। 3-4 महीने से उनको बोल कर रहे थे, लड़का डिप्रेशन में चला गया था, इसकी वजह से उसने ये कदम उठाया। तो क्या सर आज क्या हुआ सर? आज ये पोस्टमार्टम के लिए आए हुए हैं इसके। अभी तक पुलिस प्रशासन अपना काम कार्रवाई कर रही है। सर कितनी उम्र का था बच्चा ये? 17 साल का था। पानीपत के आर्य कॉलेज के BTM और BSc के 10 विद्यार्थी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के मेरिट सूची में आए। कॉलेज की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर
वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर संतोष टिक्कू ने कहा कि इन बच्चों ने कॉलेज का नाम रोशन किया है और उन्हें अपने विद्यार्थियों पर गर्व है। गौरतलब है कि आर्य कॉलेज के विद्यार्थी लगातार इसी तरह से मेरिट सूची में स्थान बनाते आ रहे हैं। हम आज कॉलेज में इसलिए आए हैं क्योंकि हमारी कॉलेज में मेरिट लिस्ट में पोजीशन आई है और जिस इस सब का थैंक्स मैं सबसे पहले गॉड मम्मी डैडी को और उसके बाद अपने कॉलेज को देना चाहूँगी कि जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, टीचर्स को जिन्होंने कोऑपरेट किया और हमारे को इस लेवल तक लेके आए। पानीपत रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उत्तर रेलवे मेंस यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन किया गया जिसमें सहायक मंडल इंजीनियरिंग पानीपत द्वारा कर्मचारियों की जायज मांगों के अनदेखी के खिलाफ रोष प्रकट किया गया। विरोध करते हुए कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगाए हुए थे। उन्होंने कहा कि भारत रेल विभाग पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर रहा है और नई पेंशन योजना को लागू किया जा रहा है जो कि कर्मचारी विरोधी है और यूनियन इसका विरोध करती है। हमारे यहाँ पे पानीपत में एन है उनके खिलाफ आज ये एजिटेशन किया गया जिसमें हमारे ट्रैकमैन साथियों की जो समस्याएं हैं वो हमने इनको लिखित रूप में दे दी जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सिटी दलका न्यूज के इस अंक में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now, then press bell icon. Never miss an update.